निफ्टी बैंक निफ्टी एज पर प्राइजेक्शन ऑफ चेन के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे जाके कब हमें ईएमए पोजीशन कंसीडर करना चाहिए। पुट में क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट देखते तो ग्लोबल मार्केट में आपको ह्यूज नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा है, तो मार्केट गैप डाउन करेगा, उसके हिसाब से मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज्यादा बन रहा है। निफ्टी अगर 100 to 150 पॉइंट का गैप डाउन कर जाता है तो उस मामले में पॉसिबिलिटीज यार फिर है कि 19,450 के नीचे मार्केट खुल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगर 450 के नीचे खुलता है तो ये जो आपको नीचे का ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसका भी ब्रेक हो जाएगा, तो इमीडिएटली मार्केट का जो नीचे का सपोर्ट है वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तब 19,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर नहीं होगा, 19,300 तक कंसीडर होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से। तो मार्केट अप टू 19,300 तक नीचे जा सकती है। नीचे अगर हम लोग देखते तो टारगेट वन आपका 400 और टारगेट टू के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे 19,300 को, तो मार्केट अप टू 19,300 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान पर रखना है कि मार्केट अगर 300 पे आ जाता है तो यहाँ से लास्ट में हो सकता है मार्केट शॉर्ट कवरिंग का कोशिश करे, मतलब मान लीजिए 19,350 के ऊपर क्लोजिंग देने का कोशिश यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो मान लीजिए 19,500 से जो पोजीशन कैरी कर रहा है तो वो यहाँ पे स्क्वायर अप जरूर करेगा 300 पे, तो इसीलिए मार्केट लास्ट में हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर क्लोज कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए बैंक निफ्टी हम लोग सपोर्ट के हिसाब से लास्ट डे भी बात किए थे कि अभी अगर मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट देखते हैं तो 44,800 का जो मार्क है ये आपका सपोर्ट के हिसाब से कंसिडर हो रहा है इमीडिएट सपोर्ट। पॉसिबिलिटीज अगर यही है कि 44,700 के नीचे खुल जाए कल, अगर 700 के नीचे खुलता है तो उसमें क्या होगा कि इमीडिएटली मार्केट का जो आपको सपोर्ट ऑलरेडी शॉर्ट्स में भी है आपको पता है कि 44,545 का जो मार्क है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से भी कंसीडर हो रहा है, तो टारगेट वन के हिसाब से बेरिश में आपका ये बन रहा है। मार्केट अगर इस लेवल का भी ब्रेक करता है जो पॉसिबल है, अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो अप टू 44,300 तक मार्केट जा सकता है। अभी यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान पर रखना है कि मार्केट अगर 300 पे आता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के वजह से लास्ट में हो सकता है मार्केट 44,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान पर रखिए, कैरी फॉरवर्ड कोई पोजिशन मत कीजिएगा, राइट राइट। अगर हम अभी ऑप्शन चेन देखते तो ऑप्शन चेन पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान पर रखना है, देखिए ऑप्शन चेन पे क्या था, 19,600 पे आपको ह्यूज बिल्डअप दिख रहा था तो उसके हिसाब से यही रेजिस्टेंस अभी था मार्केट का। तो अभी अगर मार्केट 19,500 से नीचे ओपन हो जाता है तो उस मामले में इमीडिएट जो नीचे का सपोर्ट आपका था वो था 19,400 आपको प्राइजेक्शन के हिसाब से दिख रहा था, राइट। तो अगर मार्केट 500 से नीचे ओपन हो जाता है तो उस मामले में पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि इस लेवल का भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि मार्केट में ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर आपको दिख रहा है कि ऊपर अच्छा खासा बिल्डअप है, तो ये पूरा यहाँ पर हावी हो जाएगा। उस मामले में मार्केट में पॉसिबिलिटीज अभी यही है कि मार्केट अप टू 19,300 तक जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में 500 और 550 से हम लोग स्क्वायर लास्ट में स्क्वायर अप भी किए हैं। अभी अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें ध्यान पर रखना है, 45,000 अगर हम लोग बैंक निफ्टी अभी देखते हैं, 45,000 पे क्या बिल्डअप है, 3,93,000 आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे 2,64,000, तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्रेसिव यहाँ पर एक बिल्डअप था, इसीलिए मार्केट आज 45,000 के ऊपर नहीं ले जा पा रहा था, राइट। तो नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे आपको पता है कि 44,800 कंसीडर हो रहा था इमीडिएट सपोर्ट, लेकिन अगर नीचे 800 के नीचे मार्केट खुल जाता तो उस मामले में आपको कंसीडर अभी यहाँ पर देखिए 1,54,000, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर ही आपको अच्छा खासा बिल्डअप दिख रहा है, दो देखिए यहाँ से 26,000 स्क्वायर अप हुआ है, तो उसके हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पर फेयर जनरेटेड है कि मार्केट 44,500, क्योंकि देखिए 800 के यहाँ से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलता है थोड़ा बहुत गैप डाउन करता है तो ऑलरेडी एक साइकोलॉजी था कि एटलीस्ट 44,500 तक मार्केट नीचे जाए, राइट। तो इसी हिसाब से 44,500 सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएटली 44,300 के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा जाने के लिए, राइट। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली आपका बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।